सतगांव प्रखंड के अंतर्गत इटाय पंचायत में एक दशक बीत जाने के बाद भी हॉस्पिटल का कार्य लंबित पड़ा है। वहीं सतगांव प्रखंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव धनंजय कुमार यादव एक दशक से लंबित हॉस्पिटल कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। सतगांव प्रखंड के अंतर्गत इटाय पंचायत में एक दशक बीत जाने के बाद भी हॉस्पिटल का कार्य लंबित पड़ा हुआ है। वहीं सतगांव प्रखंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव धनंजय कुमार यादव एक दशक से लंबित हॉस्पिटल कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे घर भी इसी पंचायत में ग्राम मोहनपुर में पड़ता है और कहा कि वर्षों से लंबित हॉस्पिटल का कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जिस समय अन्नपूर्णा देवी जी विधायक थी, विधायक एवं बाल विकास परियोजना के राज्य मंत्री थे, उसी समय स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास उन्हीं के द्वारा किया गया था, जो कि अभी तक आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें लोगों के द्वारा मवेशी वगैरह बांधे जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप तो जिस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चली गई हैं, विकास को लेकर बीच बीच में बोलती रहती हैं। कहते हैं कि विकास को लेकर पार्टी छोड़ी है। उनसे आग्रह करता हूं कि हॉस्पिटल का कार्य पुनः रूप से चालू किया जाए। सुदूरवर्ती उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में ये बहुत अच्छा चीज, कारगर चीज बन रहा है। यहाँ डॉक्टर लोग रहेंगे, रात रात को हम लोग को फायदा होगा, प्रसव की सुविधा होगा, लेकिन जस्ट उल्टा हुआ। आज तक हम लोग परेशानी झेल ही रहे हैं, जबकि हमारे अन्नपूर्णा जी आगे यहाँ से केंद्र तक चली गई, केंद्रीय मंत्री भी अभी हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। अभी अगर यदि इसका कल्याण नहीं होता है तो इससे अच्छा तो बदतर ही खेती, कम से कम खेती तो होता, जो कि सरैयत ये जमीन दान में दिया त्यागा, वो कम से कम खेती तो करता। ऐसा ही बझा हुआ जमीन।